हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल MK Study 23 में आपका स्वागत है। आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप सबने थंबनेल देखे, 2023 में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट जरूर दो, आप कितना बना पाते हैं। तो चलिए, आपका सवाल नंबर एक, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। आपका सवाल नंबर दो, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आपका सवाल नंबर तीन, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है? आपका ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी चक्रीय, डी जैव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नवीकरणीय। आपका सवाल नंबर चार, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी गोपाल कृष्ण गोख। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सवाल नंबर पाँच, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी बंगाल में, डी उड़ीसा में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। आपका सवाल नंबर छह, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1916, बी 1918, सी 1920, डी 1922। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1916। आपका सवाल नंबर सात, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? आपका ऑप्शन है ए सांप्रदायिक दंगा, बी आतंकवाद, सी रेल दुर्घटना, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर आठ, रूसो कहाँ के दार्शनिक था? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। आपका सवाल नंबर नौ, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1946, डी 1948। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1946। आपका सवाल नंबर दस, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटेन। कितना सही गया नीचे कमेंट में बताएं, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।